और आज डेली क्रिकेट का फाइनल सेगमेंट आपके सामने लेकर हाजिर है और इसी वीडियो के साथ इस बार का आज डेली क्रिकेट जो है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तीन क्वेश्चन हमने कहे थे कि जिसमें हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें से एक का हमने कल वीडियो बनाया वो क्या था, आप जाकर प्लीज सुनिए। आज डेली क्रिकेट के जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे थे उनके हमने आंसर देने की कोशिश की है, जो भी हमें लगता है वो आपके सामने पूरी रियलिटी वे में और जो भी हमें सच्ची फीलिंग है उस हिसाब से हमने आपके सामने रखी है सारी बातें। प्लीज आज डेली क्रिकेट वीडियो देखिए, मतलब कुछ फ्री टाइम निकालकर उसे भी जाकर जरूर चेक करिए और ये डेडिकेटेड वीडियो बनाया आज के रिलेटेड उसे भी जाकर जरूर सुनिए। अभी दो और व्यूअर्स थे जिन्होंने पूछा था जिसको थोड़ा डिटेल में समझाने की जरूरत थी, इसलिए वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। पहला नेपाल क्रिकेट हब, इन्होंने इस नाम से था अकाउंट, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें उन्होंने कहा था कि कैंग को अब आने वाले टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए किस तरह की प्लानिंग्स वगैरह करनी चाहिए क्रिकेट को बेहतर करने के लिए वगैरह, किस तरह की चीजें होनी चाहिए, ये उनका क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन था कैप्टन जैक्सन नाम से, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि एसोसिएट कंट्रीज जो है, एसोसिएट टीम्स जो है जहां पर कितना क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं है, या फिर जो भी एसोसिएट खेलती है वो अपने यहाँ लोकल क्राउड को कैसे पुल कर सकती है, किस तरह से स्पोर्ट्स को वहां पर पॉपुलर करने में क्या क्या स्टेप्स वो ले सकती है, इससे वहां पर कम से कम ग्राउंड पर आना शुरू हो। ये बहुत अच्छा सवाल लगा लेंगे, चलिए इसको आप डिटेल में समझाना चाहिए। तो पहले नेपाल क्रिकेट हब के इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। देखिए सबसे सिंपल सी बात है कि है तो बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन करेगा कौन, और अगर कोई करेगा तो ये मेक श्योर कौन करेगा कि वो काम हो भी रहे हैं या नहीं, या सिर्फ बयान तक ही सीमित रह गए, और अगर वो काम हो भी रहे हैं तो क्या ठीक ढंग से हो रहे हैं या नहीं, ये ठीक है से मतलब है कि क्या प्लेयर्स को जो जिम्मेदारी दी गई है क्या वो कर रहे हैं, क्या कोच को जिम्मेदारी दी क्या वो कर रहे हैं, क्या रीजनल्स वालों को जिम्मेदारी जो दी गई है क्या वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बात आ जाती है, जैसे आप जानते ही हैं कि कोई भी, अब आप इसको थोड़ा सा ओवर उसमें ले लीजिए कि जब कोई गवर्नमेंट वगैरह बनती है तो जब लेक्चर वगैरह होते हैं चाहे दुनिया में कहीं पे भी हो, तो वो बहुत सारे अपने रोड मैप बताते हैं ये है वो है वो है वो है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनका इंप्लीमेंटेशन कितना हुआ यही सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। और यही चीज यहाँ पर भी हमें कहने को तो बहुत कुछ है कि प्लानिंग ये करिए वो करिए वो करिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर दो दो तीन तीन महीने में वो प्लानिंग कहीं बिस्तर में या बोरिया बिस्तर में बंद पड़ी रहती है और कुछ और ही तरफ टीम जो है चल रही होती है। मैं यहाँ पर नेपाल क्रिकेट की खास करके बात करता हूँ, लेकिन चलिए फिर भी इंप्लीमेंटेशन अगर हो तो क्या कुछ किया जा सकता है, शॉर्ट एंड सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जनवरी से दिसंबर तक का ले लीजिए 2023 से, ये 10 तारीख तक आप छोड़ दीजिए एनपीएल नेपाल इंडिया होने वाला है, उसके बाद से हम गिनते हैं। तो जनवरी से दिसंबर तक का आपको जो एक रोड मैप पॉपुलर होना चाहिए वो होना चाहिए आपको ये देखकर कि हमें आने वाले वक्त में क्या क्या चीजें खेलनी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू में परफॉर्मेंसेस जो है वो इतनी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हुई है, और उसके बाद आपको मार्च अप्रैल में प्लेऑफ खेलने हैं जो 50 ओवर के होने हैं, और क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग टू खेलना है वो भी 50 ओवर का खेलना है। तो नेपाल T20 के बाद आपको लगातार 3 महीने प्लेयर्स को 50 ओवर क्रिकेट में बिजी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, और यही सबसे बड़ी बात है, कम से कम प्लेऑफ तक आपको उनको हर हाल में बिजी रखना है। और इसके साथ साथ एक चीज आप ये भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ जैसे हम कई दौरों में देखते हैं कि कहीं पर कोई टीम गई तो उन्होंने 3 ODI रखवा लिए या 3 वनडे रखवा लिए, साथ में जो T20 में रख लिया, क्योंकि आखिर T20 के भी रीजनल फाइनल्स जरूर खेलने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये जरूरी भी है क्योंकि क्योंकि एसोसिएट को पहले जो रहता है कि पहले तो डायरेक्ट ऐसा नहीं रहता कि 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बीच में जो सब रीजनल आ जाते हैं तो इस पर भी ध्यान देना होता है। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल बेहतर है कि आपने 2-3 वनडे करे और उसके बाद 2-3 T20 भी कर लिए खेल लिए, तो उसको मैनेज करते 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 रहना चाहिए साल भर, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसा नहीं कि कुछ सब रीजनल आ रहा है उससे एक महीना पहले आप पूरा भरमार लगा दे रहे हैं T20 का, तो उससे कुछ ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल यही सबसे बड़ी गलती नेपाल क्रिकेट करता है। अब नेपाल क्रिकेट क्या करेगा कि रीजनल फाइनल्स जब होने वाले होंगे, जैसे डेट्स आएंगी उनकी ऑफिशियली, तो उनसे 15 दिन पहले कोई टूर्नामेंट लगाता है या 20 दिन पहले T20 खेलना शुरू, या PM कप को T20 में कर देंगे, उसका सहारा सोचेंगे हम रीजनल फाइनल्स में अच्छा कर देंगे, यही तो गलत फहमी है। आप जब भी कोई दौरे में जाते हैं, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगले 3 महीने आपको नॉन स्टॉप 50 ओवर क्रिकेट का एनवायरनमेंट अपने प्लेयर्स के बीच में क्रिएट करना होगा, और ये छुट्टी फुट्टी कुछ नहीं होती है, आप इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आपने एक आध दिन रेस्ट लिया, चलिए आप गए रेस्ट लिया, उठ के वापस आओ और ग्राउंड पर लग जाओ। अगर आप इस यंग एज में ये सब नहीं करेंगे, यंग एज में इतनी छुट्टियां लेंगे तो फिर होने वाला क्या है, रेस्ट फेस्ट ये सब, हाँ इंजरी होती है वो बात अलग है, लेकिन आप बेमतलब सोचेंगे अभी एक टूर से आए 6 दिन का रेस्ट 7 दिन का रेस्ट
कहेगा रेस्ट, अब क्या टीम उस लिया उस सिचुएशन में बैठ खड़ी है कि वो रेस्ट ले लेंगे, फिलहाल कंडीशन में है, बिल्कुल ये सब चीजें आपको देखनी होगी। और जब भी आप कहीं पर वनडे वगैरह रखें, साथ में एक T20 रख लें, दो T20 रख लें, तो उससे क्या होगा आपको उसका भी रिदम थोड़ा बहुत बना रहेगा, और 50 ओवर आप साथ साथ में खेल रहे हैं क्योंकि उसकी नीड अभी जरूरी है, और थोड़ा बहुत रिदम बना रहेगा क्योंकि आपको पता है कि अगले वक्त में रिजर्व फाइनल है, तो आप T20 क्रिकेट को भी थोड़ा करके लेकर चलेंगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी अभी सिर्फ 50 ओवर क्रिकेट होना चाहिए। आप साल में दो बार 50 ओवर का डोमेस्टिक क्रिकेट रखवाएं, जो हमने पहले भी कहा था, 50 ओवर का डोमेस्टिक क्रिकेट साल में दो बार रखवाएं तो जरूरी है, क्योंकि कई और ये अगर स्कॉटलैंड होता या नामीबिया होता या फिर नीदरलैंड्स होता, मैं कहता आप एक साल में एक बार करवाएं तो भी काफी होगा, लेकिन नेपाल क्रिकेट में वहां लगातार खेलते हैं, अंडर लेवल पर अलग अलग लेवल्स पर वहां पर 50 ओवर का क्रिकेट है, वहां पर यूएई में भी है, ओमान में भी है, आपके स्कॉटलैंड में भी काफी अच्छे डोमेस्टिक होते हैं। स्कॉटलैंड में अंडर 14 का 50 ओवर डोमेस्टिक है, अंडर 16 का 50 ओवर डोमेस्टिक है, 18 का 50 ओवर डोमेस्टिक है, तो वहां पर अच्छा ये सिस्टम कर रखा है, तो उनकी बात अलग है, वो डोमेस्टिक वगैरह में काफी बेटर है। या तो आप ये अपनाइए, सारे अंडर एज वालों को वहां पर मौका दीजिए अच्छी तरीके से, या तो आप ये करिए कि आप जैसा आपने कहा कि साल भर आप सिर्फ दो डोमेस्टिक कराइए, होना तो ये चाहिए कि आप जितने डोमेस्टिक कराए उतना कम होता है, लेकिन चलिए आप दो ही करा दें वही बेहतर है, एक से तो कुछ होता नहीं। बिल्कुल क्लियर कट है। साल में आपने पहले भी अपने वीडियो में कहा हुआ है कि शुरू के 6 महीने आप 1 50 ओवर का डोमेस्टिक रखवाएं और लास्ट के 6 महीने में आप 1 50 ओवर का डोमेस्टिक जरूर रखवाएं। इस तरह की चीजें आप शुरू करें, आप विजन को जरा ध्यान में रखिए, अपने सामने रखिए कि भाई हमें किस चीज की तैयारी करनी है, और उसकी तैयारी बहुत पहले से होती है। आप अगर किसी बड़े इवेंट पे खुद को देखना चाहते हैं तो उसकी तैयारी 15-20 दिन पहले नहीं होने वाली, और ऐसे कई सारी प्लानिंग्स है जो हम बता तो सकते हैं आपके सामने, कई सारी चीजें और भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे पास, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये बेसिक इंप्लीमेंट ही कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए तो फिर उसके बाद आगे जरूर बात करेंगे। आप नेपाल क्रिकेट आप जो भी आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं कि प्लानिंग चीजें तो बहुत सारे करने को है, आपके सामने हम रख भी देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है इंप्लीमेंटेशन की। लेकिन बेसिक चीजों पर जो हमने बताया पहले इसकी तो शुरुआत हो जाए, वही उसी से बहुत खुशी हो जाएगी कि नहीं हाँ अब देखिएगा कि ये लड़के इन 50 ओवर क्रिकेट में कम से कम इंटेंटफुल नजर आएंगे। उसके बाद एंड कैप्टन जैक्सन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़कर जरूर बताइएगा और इसका आंसर पूरा आप समझाएं। बिल्कुल, देखिए जो कैप्टन जैक्सन सर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि एसोसिएट क्रिकेट्स में एसोसिएट नेशन जो टीमें हैं उनमें क्रिकेट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, पॉपुलर किया जाए उनके खुद के कंट्रीज में। तो सबसे पहले तो यही है कि देखिए सबसे पहले अगर आप पॉपुलर टीम है, मान के चलिए आप कनाडा हैं या हांगकॉन्ग हैं या आप कोई T20 देश है नेपाल वगैरह, नहीं मैं एक्चुअली थोड़ी पॉपुलर टीम की बात कर रहा हूँ, थोड़ी पॉपुलर टीम है या जो अभी आप करंट ODI स्टेटस वाली टीमें हैं, तो वहां पर आपको अपने परफॉर्मेंस से ही सब कुछ करना होगा, क्योंकि आप पहले ODI टीम में थी तो वो आपने अच्छा कर रहे थे, करते करते आपने गवा दिया, वो आपका नुकसान है। अगर आप अच्छा ही करते हुए आते आज भी आपके पास ODI स्टेटस होता तो आज मान के चलिए वहां पर क्रिकेट बहुत अच्छा होता, आपने उसे गवा दिया, पटरी से उतर गया। मैं उन टीमों के लिए कह रहा हूं जो ODI स्टेटस गवा चुके हैं, वो नीचे चले गए, अब वहां उनका अलग तरीका होगा क्रिकेट को उठाने का। अब जो यहां पर ODI स्टेटस वाली टीमें हैं उनके लिए जरा थोड़ी सी बात कर लूं, जो टीमें हैं वो अपने परफॉर्मेंस से, अपनी जीतों से, अपने पहुंचने से, यानी कि ICC इवेंट ज्यादा से ज्यादा खेलने से आप पॉपुलर कर सकते हैं कि भाई मेरी टीम वर्ल्ड लेवल पर जा रही है या नहीं, वर्ल्ड लेवल पर मेरा नाम हो रहा है, यानी मेरे प्लेयर्स TV वगैरह में आ रहे हैं या नहीं, हमारे देश के प्लेयर आ रहे हैं या नहीं, ये सब चीज़ें तब वहाँ पर ये चीज़ें आएंगी कि बोर्ड फैलाएगा उन चीज़ों को। जो ODI स्टेटस वाली टीम है अभी की बात कर रहे हैं, वो बोर्ड फैलाएगा कि देखिए आज हमारे इस देश का मैच है ICC इवेंट में, ICC इवेंट खेलने के लिए हमारी टीमें गई हैं, लेकिन नहीं जा सकते तो आई एम सॉरी ये जो स्टेप है यही रुक जाएगा। फिर क्या करना होगा आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ, अगर ये सब क्लियर नहीं हो पा रहा है आपसे कि ICC इवेंट नहीं हो रहा, आप जीते नहीं दे रहे हैं टीम को, आप ODI स्टेटस वाली टीम है लेकिन फिर भी आपका बुरा हाल हो रखा है, चलिए अब आ जाते हैं सबके लिए, अब सबके लिए पूरे जितनी भी एसोसिएट कोई नई छोटी टीम हो या फिर इस तरह की टीम। बिल्कुल, अब देखिए वहां सबसे पहले तो यही है कि वहां पर स्कूल क्रिकेट जो है या फिर तरह तरह के फंक्शंस या फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कराए जाए, सबसे पहले तो यही है लोगों को वहां पर बुलाया जाए, क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जाए, रिवार्ड या अवार्ड वहां पर प्रेजेंट किए जाए, ये बहुत बेहतर तरीका होता है क्रिकेट को लोगों तक पहुंचाने का, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रिवार्ड होगा अवार्ड होगा तो लोग खींचे चले आएंगे, नए गेम की तरफ बढ़ेंगे, आप नया गेम है तो अवेयरनेस भी फैलाना बोर्ड का काम है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि जगह जगह सिटी टू सिटी एक फेस्टिवल कराना, एक ऑर्गेनाइज कराना, एक बड़े तरीके से इसको
सामने लाना लोगों के कि भाई क्रिकेट ऐसा गेम है, वैसा गेम है, गेम हो रहा है, ज़बरदस्त फेस्टिवल हो रहा है, 6-7 दिन का, आप आइए मज़े करिए, और रिवार्ड भी है, ऐसा नहीं है खाली हाथ आपको भेजा जाएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। वहीं पर एक चीज़ और है कि डोमेस्टिक आप आज जो एक चकाचौंध से लीग, जो लीग हम कहेंगे इसे, ये यहाँ पर आप करा सकते। देखिए आप तंजानिया भी लीग कराता है जी, हाँ अभी कंप्लीट हुआ है कुछ वक्त पहले, तो ये चीजें गौर करने वाली है। तो लीग से काफी प्लेयर्स आप उनको ये एक करियर देंगे इसमें, कि खाली आपका क्रिकेटिंग जो हमारा ये है कि आप नेशनल टीम में आइए तो ही आपका करियर बनेगा, ऐसा नहीं है। आप वहां पर उनको एक करियर ऑप्शन भी देंगे क्रिकेट में आकर, कि ये सिक्योर बनाएगा आपका करियर। बिल्कुल सही, ये और अच्छा होगा। और इस तरीके की डोमेस्टिक क्रिकेट लीग्स में एक चीज और आप कर सकते हैं कि आप जो लोकल प्लेयर्स है, जो भी लोकल लड़के हैं, क्योंकि वहां पर अगर मान लीजिए आपके आपके देश में जो भी कंट्रीज है, स्टेट की एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर आपके वहां 10 अकेडमी है या 5 क्रिकेट अकेडमीज है, तो वहां पर कम से कम 2-4 लोकल प्लेयर्स तो होंगे। आप उन लोकल प्लेयर्स को उस डोमेस्टिक लीग जैसे इवेंट्स पर इन्वाइट कर सकते हैं, उन्हें जगह दे सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं, तो उससे जो उनसे जुड़ी हुई फैमिलीज है, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो वहां पर आना शुरू होंगे, फिर उनसे तीसरे से चौथे धीरे धीरे ये चीजें बढ़नी शुरू होंगी। और बिल्कुल, और एक चीज आप जरूर कर सकते हैं कि जब कुछ मैचेस में, हर मैचेस के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कुछ आपने कुछ ऑर्गेनाइज कराई है सीरीज या किसी को बुला लिया है आपने, तो वहां पर आप एक आप फ्री एंट्री लोग कुछ मैचेस में प्रोवाइड करा सकते, फ्री एंट्री। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बायलेटरल सीरीज में आप फ्री एंट्री कराने का वो करिए, बिल्कुल नहीं। अब बोर्ड चलेगा कैसे, क्रिकेट आगे बढ़ेगा ही नहीं अगर फंड ही रेस नहीं होगा, तो ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप 10 सीरीज खेलते हैं फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, तो उसमें से 2 या 3 सीरीज में लोगों को फ्री एंट्री होनी चाहिए, 7 से 8 सीरीज में आप अपना एंट्री फीस लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि इसी फ्री एंट्री में अगर आप किसी बड़ी कल सिचुएशन में जाकर फ्री एंट्री दे तो और ज्यादा बेहतर होगा। मान लीजिए आपने 3 मैचों की सीरीज खेली, वो 1-1 पे टाई अप है और तीसरा फाइनल होने वाला है, और तीसरा डिसाइड करेगा कि आखिर सीरीज कौन जीतेगा, उस फाइनल को फ्री कर दीजिए। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब आप खुद सोचिए, जिन लोगों को क्रिकेट में एक स्पोर्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट ही नहीं है, वो आखिर उस पर खर्चा क्यों करेंगे, टिकट खरीद कर क्यों जाएंगे कि हम भाई इस ग्राउंड पे इस मैच को देखने जाएंगे, क्योंकि हमें तो स्पोर्ट पसंद ही नहीं है, हमें कोई और स्पोर्ट पसंद है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करने के लिए शुरू में थोड़ी फ्री एंट्रीज वगैरह रखनी होंगी, जो कई कई देशों में हमने देखा है, खासकर अफ्रीकन रीजन के अंदर देखा है, बहुत सारा फ्री एंट्रीज रखते हैं। जिम्बाब्वे ने भी रखा है, जिम्बाब्वे भी आज भी ये फ्री एंट्री का सिस्टम रखता है। जिम्बाब्वे अजीब सा लगता जरूर है कि एक टेस्ट नेशन है इतनी पुरानी, लेकिन चलिए ठीक है, आपने जो शायद जिम्बाब्वे कुछ काफी खोया है वो हम जानते हैं पिछले 10-12 सालों में, तो उसको अगर आप रिगेन करना चाहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे स्टेप से कोई इसमें। और एक चीज जरूर मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा कि अगर अपने ही नेशन में, मैं देश की बात कर रहा हूँ, आपके यहाँ कोई पॉपुलर फेस है, हर देश में कोई ना कोई पॉपुलर फेस होता है किसी भी फील्ड से हो, जरूरी नहीं है क्रिकेट से ही हो, किसी भी फील्ड से हो, उसको यहाँ पर बुलाना, उनको यहाँ पर बुलाना कि आइए क्रिकेट में आप एक बार आकर देखिए, उनको मैच दिखाइए, उनके थ्रू यहाँ पर आपके जो फैंस हैं, जो स्टेडियम में लोग आ सकते हैं कि देखने के लिए, कि चलिए हमने इनको भी देख लिया जो आपके पॉपुलर फेस है, लेकिन हम क्या देखने जा रहे हैं, हम क्रिकेट के मैदान में जा रहे हैं, तो क्रिकेट भी देखेंगे, अंधे तो है नहीं जो क्रिकेट ही नहीं देखेंगे। जी तो ये बहुत अच्छा तरीका होगा कि जो भी पॉपुलर फेस है उनको ग्राउंड में बुलाया जाए, और पब्लिक भी जरूर आएगी, ऐसा हमें जरूर है। बिल्कुल क्लियर करती है, हमने आपको बहुत ही ग्राउंड लेवल की चीजें बताई हैं कि क्या ग्राउंड लेवल पर आप कर सकते हैं कि धीरे धीरे इसका जो रिजल्ट है आपको, और सबसे बड़ी बात है ये सब आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे करते रहना है। जी हाँ, अब आप ये सोचेंगे हमने एक बार कर दिया, अरे यार साल भर में आ रही है, स्पोर्ट्स बढ़ नहीं रहा, ऐसे थोड़ी ना होता है, आपको लगातार करते रहना होता है, कोई चीज एक झटके में आपको नहीं मिल जाएगी, उसमें कुछ वक्त लगता है, कई सालों लग जाते हैं। ये बहुत कई सारी टीमें बेहतर समझ पाती है, और आयरलैंड भी उनमें से एक है, उन्होंने बहुत काम किया, बहुत वक्त किया, और जैसे आयरलैंड ने बताया कि आपको ICC इवेंट्स जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, यकीन मानिए, आयरलैंड ने जो इंग्लैंड को हराया था 2011 वर्ल्ड कप में, वो वर्ल्ड कप की जीत के बाद मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था, मेगा स्क्रीन इंफो में आर्टिकल था एक, कोई रॉबिन्सन सर का, उन्होंने कहा था कि उस
जीत से पहले और उस जीत के बाद मैंने खुद पर्सनल उन्होंने खुद पर्सनली स्टार्टिंग में लिखा था कि मैंने खुद आयरलैंड में जाकर वहां पर जाकर देखा था कि उस जीत से पहले और उस जीत के बाद काफी ज्यादा इजाफा होता है। उसे आप मिनिमम कह सकते हैं लेकिन आयरलैंड के लिए बिल्कुल भी मिनिमम नहीं है। तो इसीलिए हम बार बार आप सबसे कहते हैं, खासकर छोटे वाली टीमों से, कि जब भी आप कोई आईसीसी इवेंट्स खेलने जाए तो वहां पर अपना 200% दे, 100% से काम नहीं चलने वाला, उससे ज्यादा एक्सपोजर आपको कहीं किसी कहीं और फील्ड में नहीं मिलने वाला। आप जब भी आईसीसी इवेंट्स पे जाएं धमाका कर दें पूरी तरह से, और सिर्फ फाइट मत दे, क्योंकि फाइट कोई याद नहीं रखता है, आपको जीतना ही होगा। और आप जीतेंगे तो डेफिनेटली वहां पर आपके लिए रास्ते और खुलते रहेंगे। ये मैं छोटी स्टेटस टीम की बात कर रहे हैं, और जो नई टीम्स आ रही है उनको जैसे आपने बेहतर तरीके से आपको 4 पॉइंट्स में समझाया, डोमेस्टिक लीग, फ्री एंट्री, स्कूल क्रिकेट प्रोग्राम्स एंड फंक्शंस, और चौथा वहाँ के पॉपुलर फेस को आप इंट्रोड्यूस कराकर अपने क्रिकेट से जोड़िए, तो शायद आपको रिजल्ट्स और बेहतर मिलेंगे ग्राउंड लेवल पर। फिलहाल उम्मीद है कि आप दोनों को इसका आंसर मिल गया होगा। आपकी क्या राय है जरूर अपनी रखिएगा, और आप सहमत है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए हमारे एफर्ट के लिए। और आप चलिए क्रिकेट दोबारा हम आप सबके सामने लेकर आएंगे अभी नहीं कुछ वक्त बाद, बिल्कुल कुछ वक्त बाद आए तो ज्यादा बेहतर होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और कहीं ना कहीं वापस से आप सबको बता दें कि अब कल से हमारे चैनल पे अब वक्त आ गया है कि अब हम एसोसिएट क्रिकेट लीग्स को प्रमोट करना शुरू करें, और उसकी पहली कड़ी जो शुरू होती है 5 एसोसिएट क्रिकेट लीग पाइपलाइन में है, उसकी पहले की अब बारी आ गई है नेपाल टी ट्वेंटी लीग, और कल से कहीं ना कहीं हम उसको कवर करना शुरू करेंगे, और फिर तो 23 तारीख से मैचेस की बात जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना।